नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। इस बरसात में 1,20,00,000 पौधे रोपेंगे, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दी जानकारी। गुड़िया हेल्पलाइन का डाटा साझा करे बोर्ड, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जारी किए निर्देश। करसोग में भारी बारिश और तूफान से झड़ गए सेब। कोविड-19 को लेकर पूरी तैयारी रखें अधिकारी, राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश ध्वाला ने दिए निर्देश। भाजपा के खिलाफ कोई बोले तो देशद्रोह का आरोप लगा देते हैं, पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुखू ने बोला हमला। पकालगढ़ में पानी का अकाल, पेयजल योजना ठप, ग्रामीणों को टैंकर से मंगवाना पड़ रहा है पानी। मनाही के बाद भी बड़ा देव मंदिर में श्रद्धालुओं का आना जारी, रोहांडा के पंचायत प्रधान ने कहा बाज नहीं आ रहे लोग। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार इस बरसात में पूरे प्रदेश में कुल 1,20,00,000 पौधे वन विभाग के माध्यम से रोपेगी, ये जानकारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश वन्य प्राणी बोर्ड की 9वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण को बचाते हुए पर्यटन विकास की अप्रोच पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि गुड़िया हेल्पलाइन 1515 पर उपलब्ध जानकारी पुलिस सक्षम गुड़िया बोर्ड के साथ साझा करे। वह सक्षम गुड़िया बोर्ड के काम की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बोर्ड की बेहतर कार्य प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड में गैर सरकारी सदस्यों की शीघ्र नियुक्ति करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक सरोकार से जुड़ी महिलाओं को भी बोर्ड के साथ जोड़ा जाना चाहिए। मंडी जिले के उपमंडल करसोग में रविवार रात्रि लगभग 12 बजे करसोग के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश और भारी तूफान आने से जहां सड़कों पर बड़े बड़े पेड़ गिर गए, वहीं कई क्षेत्रों में सेब की फसल को भारी नुकसान हुआ है। करसोग की ग्राम पंचायत पोखी के बहल, चलाहर, शलोगी, सिज, त्रेज, कनूट आदि गांवों में रविवार रात्रि को बारिश के साथ भारी तूफान आया, जिस कारण यहां सेब पेड़ों से ही झड़ गए। ग्राम पंचायत पोखी के प्रधान प्रेम सिंह ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। बिलासपुर जिले में कोविड-19 के तहत जो भी व्यक्ति अभी तक पॉजिटिव आए हैं वे बाहरी राज्यों से आए हैं। कोई भी मामला स्थानीय नहीं है और ना ही कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है, फिर भी अधिकारी कोविड-19 को लेकर पूरी तैयारी रखें, ये बात राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश ध्वाला ने कही। वे यहाँ कोविड-19 एवं विकास कार्यों के लिए आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। ध्वाला ने कहा कि कोविड-19 की भविष्य की तैयारियों के तहत स्टाफ को लेकर जो कमियां रह गई हैं, उन मसलों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। पूर्व विधायक व पूर्व CPS नीरज भारती की गिरफ्तारी कांग्रेस से संबंधित नहीं है, ये व्यक्ति की आज़ादी व व्यक्ति की निजता से संबंधित है, ये बात पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही। उन्होंने कहा कि यदि भारती ने अगर कोई गलत पोस्ट डाली है तो वह देशद्रोह का मामला नहीं बनता और कोई आपराधिक मामला बन सकता था, ऐसे में देशद्रोह का मामला बनाने की क्या जरूरत पड़ी। आज भाजपा का चेहरा सामने आया है कि यदि कोई उनके खिलाफ बोले तो दमनकारी नीति अपनाते हुए देशद्रोह का आरोप लगा देते हैं। कांग्रेस भाजपा सरकार की दमनकारी नीतियों का पूरा विरोध करती है। नीरज भारती की गिरफ्तारी कांग्रेस से संबंधित नहीं है, ये व्यक्ति की आज़ादी और व्यक्ति की निजता से संबंधित है। अगर नीरज भारती जी ने कोई पोस्ट गलत डाली है तो वो देशद्रोह का मामला नहीं बनता है, वो कोई और आपराधिक मामला बन सकता था। देशद्रोह का मामला बनाने की क्या जरूरत पड़ी? तो आज भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो सामने आया है कि कोई इनके खिलाफ लिखे, कोई इनके खिलाफ बोले तो ये दमनकारी नीति अपनाते हुए देशद्रोह का आरोप लगा देते हैं, देशद्रोह का सेंक्शन लगा देते हैं। जबकि हम भी जानते हैं कि ये क्यों लगाए गए हैं,
जबकि कोई और सेंक्शन के द्वारा, कोई और सेक्शन के द्वारा इसको आरोप लगाया जा सकता था। देशद्रोह वो होता है कि देश की घटनाएं घट रही है और उसके बारे में कोई जानकारी दूसरे देशों को दी जा रही है, या देशद्रोह वो होता है कि अगर कोई घटना घटी और कोई सूचनाएं लीक की गई है। ये तो एक व्यक्ति की आज़ादी पर प्रहार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। कांग्रेस पार्टी पूरा इसका विरोध करती है। नीरज भारती कांग्रेस के विधायक रहे हैं, CPS रहे हैं। ये ठीक है कि उन्होंने पिछला चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन एक व्यक्तिगत तौर पर मैं ये समझता हूँ कि ये उनका उन पर आरोप लगाना एक ऐसी भावना को जन्म देना है जिससे व्यक्ति की आज़ादी पर प्रभाव पड़ेगा। चाइना और शिवपुर पंचायत के अकालगढ़ गांव में पानी का अकाल पड़ गया है। दरअसल यहां पर सिंचाई योजना दम तोड़ चुकी है। 7 दिन बीत जाने के बावजूद जल शक्ति विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इन दिनों धान की रुपाई का काम चल रहा है और ऊपर से प्रचंड गर्मी में ग्रामीणों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पेयजल योजना भी दम तोड़ चुकी है। टैंकर से गांव के लोग पानी मंगवा रहे हैं। लोगों ने बताया कि पंचायत द्वारा लगाया गया हैंडपंप शोपीस बनकर रह गया है। जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता जगवीर सिंह धीमान ने बताया कि उनके संज्ञान में मामला आया है। कनिष्ठ अभियंता को तुरंत सूचित किया जाएगा ताकि लोगों की समस्या दूर हो सके और हैंडपंप में भी मोटर लगाने का प्रयास किया जाएगा। पानी नहीं आता भाई, अच्छा मंजीत प्रधान टैंक ले आता तहाँ पानी भरया, हैंडपंप लगाया उसे मोटर नहीं पाते, बथेरे मिन्नत करते नहीं मोटर पाते हम उससे क्या करें। पानी आएगा कई दिन होगा आता नहीं सड़क पानी, अस्त अभी ताल नालियाँ बैठे बोली जाते हम क्या करिए, कहते खुश पानी है नहीं न प्रधान उस खूब जाकर बथेरा कहा वो कहते खुश पानी है नहीं। हमें लास्ट एक हफ्ते से लेके अभी तक पानी की बड़ी दिक्कत हो रही है। तो मोटर में पानी 10 मिनट छोड़ते हैं, जब तक पहुँचता तब तक मोटर बंद हो जाती है। कई दिन से फ़ोन भी कर रहे हैं, हैंडपम्प लगा हुआ है यहाँ पे किसी मोटर डलवा दो। एक साल से यही बोल रहे हैं कि हाँ आज डलवाते हैं आज डलवाते हैं। अब इलेक्शन सिर पे, अब यहाँ कभी बोलते हैं कि हाँ कल डलवा देंगे, कभी एक हफ्ते बाद डलवा देंगे, लेकिन आज तक कोई मोटर नहीं डली। इसमें प्रधान जी को फ़ोन करो, कहें हाँ मैं फ़ोन करता हूँ जी, अब मोटर डाल देंगे, इसमें ना मोटर डल रही ना कोई सुनवाई है, कुछ भी नहीं है। वैश्विक महामारी के चलते मंदिरों में श्रद्धालुओं की आवाजाही पर सरकार की ओर से रोक लगाई गई है, फिर भी कुछ एक लोग इन आदेशों को ठेंगा दिखा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रोहांडा पंचायत के बड़ादेव मंदिर की। यहां पर भी मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से बंद हैं, मगर इसके बावजूद कुछ लोग यहां आने से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि देव कमेटी ने जगह जगह मंदिर बंद होने के साइन बोर्ड भी लगाए हैं। ग्राम पंचायत रोहांडा के प्रधान प्रकाश चंद्र ने कहा कि मंदिर के कपाट बंद हैं, बावजूद इसके यहां लोगों का आना जाना लगा हुआ है। कुछ दिन पहले BSL कॉलोनी थाना के प्रभारी प्रकाश चंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई थी। इसमें पंचायत प्रतिनिधि, व्यापार मंडल और पुलिस चौकी निहरी ने भाग लिया था। इसमें मंदिर जाने वाले लोगों को सख्त चेतावनी दी गई थी। कुछ दिन तक लोगों ने पुलिस के इन आदेशों का पालन किया, लेकिन अब फिर हालात बिगड़ने लगे हैं। श्रद्धालु कमरू नाग जाना बिल्कुल बंद नहीं कर रहे हैं। मेरी प्रशासन से भी ये रिक्वेस्ट है, ये प्रार्थना है कि कमरू नाग मंदिर के जो है आसपास एक पुलिस तैनात की जाए, ताकि यहाँ जो सुंदर नगर रिवालसर कुरसो की तरफ से जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको रोका जाए। हर एक जगह जो है साइन बोर्ड लगाए हुए हैं, कमेटी की तरफ से भी लगाए गए हैं और पंचायत की तरफ से भी लगाए गए हैं कि कोई भी श्रद्धालु कमरू नाग ना जाए। उसके बावजूद भी ये प्रशासन की इस कानून का अवहेलना कर रहे हैं। मेरी ये रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें आपका अपना वेब TV हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।